नमस्कार, मैं हूं सैयद उस्मान और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का स्पेशल शो पॉलिटिकल पिक्चर। हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार हमीरपुर में। आगामी 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यहां पर मतदान होना है और आज जो हमारे पीछे यहां पर मौजूद हुजूम है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बुंदेलखंड और हमीरपुर ज़िले की पॉलिटिकल पिक्चर क्या है, क्योंकि बुंदेलखंड वो इलाका है जो हमेशा से अपने जो समस्याएँ हैं, सूखा है, बदहाली है, किसानों की बेबसी है, उसके लिए मशहूर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से यहाँ की जनता खुश है या फिर परिवर्तन चाहती है? क्या है यहां की पॉलिटिकल पिक्चर, यहां के लोगों से बात करते हैं। चुनाव 2022 का अब आ गया है, आगामी 20 तारीख को यहां पर मतदान होना है, तो क्या चल रहा है माहौल, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, 2017 और 22 पांच साल इस सरकार ने पूरे किए। जितने भी इस सरकार ने वादे किए, वादों के अनुसार ये खिलाफ रहे। जनता के हित में कोई काम नहीं किया, विकास का कोई काम नहीं हुआ, मुद्दों की कोई बात नहीं की, सिर्फ टूट उलझाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। योगी जी तो कहे, आज आए थे, जनसभा भी की उन्होंने हमीरपुर में, उन्होंने कहा कि हमने बुंदेलखंड का बड़ा विकास किया है, यहाँ पर हर घर नल लगवा दिया है, किसानों को यहाँ पर हमने सम्मान निधि दी है, तो उसका क्या असर यहाँ पर दिख रहा है? उनकी सच्चाई सब जानते हैं कि ये जुमले वाली सरकार है, इसका उल्टा अपोजिट समझे, जो ये कहेंगे वो करेंगे नहीं। जब ये करेंगे नहीं तो जनता कब तक बेवकूफ़ बनेगी, कब तक तुम बेवकूफ़ बनाओगे? आपने तो काफ़ी इलेक्शन देखे होंगे, काफ़ी उम्र है आपकी, 2022 का माहौल आपके क्षेत्र का क्या है, कौन सी मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट करेंगे? हमारे मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी तो है ही है और लड़कों की पढ़ाई बिल्कुल पूरी चौपट है, और बस 2000 रुपया दिया, 2000 रुपया में पूरा वो थोड़ा हो पा रहा है कि हमारा पूरा काम चले। इतनी महंगाई हो गई है कि 2000 रुपये तो एक झोला में नहीं आ पाते, सब्जी नहीं आती, इतनी महंगाई। आप देख लो कि कितना महंगा है, टमाटर देख लो अभी सस्ता है, हर चीज़ महंगी है। सीएम योगी के, उनका क्या असर यहाँ के युवाओं पर पड़ने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से यहाँ की जनता वोट करेगी? नहीं, हम तो ना करेंगे, हम बीए हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिला आज तक। ऊपर से खाद की लाइन में लगना पड़ता है, गेहूँ बेचने के लिए पैसा देना पड़ता है। और कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ? सबसे पहले सिंचाई का मुद्दा, पानी नहीं मिलता। दूसरा, किसानों के लिए मान लो अगर अन्ना पशु ले लीजिए, उसमें भी कोई शो नहीं है। तीसरा, कोई जो है तो नौकरी नहीं है, हम बीए हैं, ग्रेजुएट हैं, कोई नौकरी नहीं है, आज तक कोई नौकरी दिखी नहीं हमें, यही तो मुद्दे होते हैं। युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में निकल कर सामने आ रहा है, क्या कुछ मुद्दे समझ में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, योगी जी ने कहा था हमारा सबसे पहला गड्ढा मुक्त सरकार होगी, आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुए, सड़कें पूरी वही ध्वस्त पड़ी हैं, किसानों के लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरे 24 घंटे में 4 घंटे से 5 घंटे तक बिजली आती है, पानी की कोई एक सुविधा नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से नलकूप लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट वादे करती है, सिर्फ उनके सारे वादे कागज़ों में होते हैं, रियल में कुछ नहीं होता है। उन्होंने जितने भी वादे किए, हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, आज तक किसी को हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में किसी को एक टैबलेट नहीं मिला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, इस बार इलेक्शन में क्या भाजपा दोबारा से या फिर सत्ता परिवर्तन? अरे दोबारा सापाई आपके दया भाजपा का, हमें देकर यहाँ का उन्होंने दई, इतना तकलीफ है किसान। यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय से भी लोग हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब इस चुनाव में हिजाब का मामला चल रहा है, तो अब ये हिजाब और उसके बाद पीएम मोदी कहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं क्योंकि हमने ट्रिपल तलाक जैसा जो मामला था वो ख़त्म कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी मुस्लिम महिलाएं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करेंगी, वो इसलिए नहीं करेंगी कि ट्रिपल जो तलाक है वो जो कानून है, जो मुस्लिम कानून है, शरीयत का कानून है, और शरीयत का कानून कोई भी मुसलमान नहीं चाहेगा कि उसे बदला जाए, ये शरीयत के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। अच्छा, जो हिजाब मुद्दा है इस चुनाव में, हिजाब मुद्दा बनेगा? हिजाब क्यों नहीं बनेगा, हिजाब मुद्दा बनना चाहिए। हिजाब को कौन लाया, सपा लाई, भाजपा लाई, कौन लाया, ओवैसी लाया, आपको क्या लग रहा है कि ये मुद्दा कैसे बन गया चुनाव? ये मुद्दा लाना मुद्दा नहीं है, हिजाब एक ऐसी चीज़ है कि मुसलमान को इस्तेमाल करना चाहिए।
लेकिन इस बार जो स्थिति है, जो पॉलिटिकल पिक्चर यहाँ की निकल कर आ रही है, उसमें स्थिति कुछ अलग नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम योजनाएं चलीं, उनका लाभ यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर लोगों को नहीं मिल पाया। किसान यहाँ का आज भी लाचार है, परेशान है, बेबस है। लिहाजा जो यहाँ की जनता है, वो पॉलिटिकल पिक्चर का निष्कर्ष यही है कि सत्ता परिवर्तन चाहती है। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज़ स्टेट।